संग्रामपूर तालुक्यातील सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या अंबावरवा अभयारण्यातील वसाडी येथे जंगल सफारी करताना पर्यटक अस्लम खान व त्यांच्या इतर साथीदारांना 22 नोव्हेंबरच्या दुपारच्या वेळेस झाडाच्या बाजूला व रस्त्याच्या कडेला 2 पट्टेदार वाघांचे दर्शन झाले. पर्यटकासोबतच वन कार्यालयाचे गाईड समीर सुरतने यांनी सुद्धा वाघाचे छायाचित्र आपल्या मोबाईलमध्ये टिपले आहे. अशातच पर्यटक यांना जंगल सफारी करताना अनेक जंगली प्राणी पाहण्यास मिळाले. यामध्ये मोर, लांडगा, कोल्हा, म्हैस, इतर जंगली प्राणी त्याचप्रमाणे नवनवीन पक्षी सुद्धा या अभयारण्यामध्ये दिसून येतात. अशातच सातपुड्याच्या पर्वतामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्राणी संख्या बळ वाढलेली असून त्यामध्ये प्राण्यांचे संरक्षण व त्यांना लागणारे आवश्यक पानवठे सोनाळा वनविभागाचे अधिकारी सुनील वाकोडे यांनी बनवले आहेत. अंबाबरवा अभयारण्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे प्राण्यांमध्ये वाढ होताना दिसत असून वनविभागाच्या वतीने वन्य प्राण्यांसाठी अभयारण्यात विविध सुविधा करण्यात आल्या आहेत. अंबाबरवा अभयारण्यामध्ये जंगल सफारी सोबतच तिथे राहण्याची व जेवणाची उत्तम सोय करण्यात आली असून सध्या पर्यटनासाठी उत्तम कालावधी असल्याने नागरिकांनी पर्यटनासाठी अभयारण्याला एकदा जरूर भेट देण्याचे आवाहन वनविभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे. सरखान मलकापूर से आज 22/11/2023 को हम लोगों का यहाँ पर पर्यटन हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पर अंबाबरवा टाइगर प्रोजेक्ट अंतर्गत हमने यहाँ पर घूमा है और घूमकर हमको 2 टाइगर दिखे, एक ब्लैक कलर में और एक रेड कलर में, और बाकी दूसरे भी जंगली जानवर हमको नज़र आए. आपको क्या लगता है सर, और यहाँ पर पर्यटन आना चाहिए, पर्यटक आना चाहिए? और यहाँ पर ये अपने बहुत से लोगों को ऐसा होता है कई बार कि एक बार नहीं दिखता है जानवर, समझे एक बार टाइगर नहीं दिखा तो लोगों की ऐसी अपेक्षा ये हो जाती कि बात है नहीं, आप लोग खुद ऐसे नॉर्मली कुछ भी बोल देते हो. अच्छा, आपको क्या लगता है टाइगर है या नहीं? तो बहुत है यहाँ पर, अभी हमको तो 3 नजर आए. अच्छा, और उनके जो है तो पैर के निशान से समझ में आया, लाइव देखे हमने तो 3 टाइगर नजर आए हमको. आपको दूसरे जानवरों का झुंड भी नजर आया. अच्छा, आप आने वाले पर्यटकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि आना चाहिए या नहीं? तो हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर हमें आना चाहिए, अपने ज़िले का ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए. अच्छा, और यहाँ पर आप लोगों को भी हम ये कहेंगे ये गार्डन का भी अच्छा डेवलप करो. अच्छा, इसमें कैंटिंग वगैरह का भी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया जाए. अच्छा, वाटर रिसोर्ट स्लाइटिंग वगैरह का भी इसमें करना चाहिए ताकि इसका और डेवलप हो. अपने ज़िले के अंदर कहीं बताने के लिए है नहीं, करने के लिए घूमने के लिए कहीं है नहीं स्पॉट, तो ये स्पॉट को इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. और बहुत आप लोगों का सहकार्य है यहाँ पर, अच्छा नेचर रहा, कॉपरेटिव माइंड लोग हैं यहाँ पर, तो आपको गाइड ने आपके जो गाइड है तो इन्होंने भी बहुत हमको कॉपरेट किया, गाड़ी वालों ने भी बहुत कॉपरेट किया, बहुत अच्छी गाइड चलाई है. जानवर बहुत है और रियल जानवर हमने देखे, बहुत बहुत जानवर है. थैंक यू सर. थैंक यू सर.